हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सामने इमेज देख रहे हो और अगर आप ब्रिज से रिलेटेड ब्रिज में आपने वर्क किया है तो इस इमेज को देख करके आप समझ जाओगे कि ये किसकी इमेज है और किसका डायग्राम है, ये आप समझ जाओगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस बार के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसकी कटिंग लेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके यूज़ कहाँ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आप जब सामने इमेज देख रहे हो, ये मेश है, मेस। आप ब्रिज जब भी बनाते होगे तो जो गडर होती है, गडर पेडेस्टल होती है, पेडेस्टल में डालते हैं मेश, या फिर गडर के नीचे डालते हैं, या फिर जैक पोजीशन होती है वहाँ हम मेस का यूज करते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसे कुछ लोग जलेबी बोलते हैं, कुछ जाली बोलते हैं, जैसे भी हो लोकल लैंग्वेज में इसे लोग यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो मेस, आप सामने जो मेस देख रहे हो ये 600x600 की हमारी ड्राइंग है। ओके, और डबल मेस है। आप देख रहे हो फर्स्ट नीचे है और उसके ऊपर से है। इसमें आप देख रहे हो ये जो सेमी सर्कल है, ये आप देख रहे हो ये 100 mm है। ओके, ये 100 mm है। इट मीन्स इन दोनों के बीच की जो गैप है वो 100 mm है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ जो देख रहे हो ये 50 mm है। इधर भी देखो 50 mm, इधर भी 50 mm। ओके, 600x600 mm डायमेंशन है। ओके, अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग लेंथ को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे। देखने में आप बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसका कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी, लेकिन इजी है और ध्यान से अगर हम इसे समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड, सो इधर आप देखो ये क्या है, ये एक तरह का सर्कल मान लो आप इसे, ये जो पॉइंट है इसे आप एक तरह का सर्कल मान लो। ओके, ये कितने सर्कल हुआ, 7। ओके, अच्छा, जब ये सर्कल है तो अगर सर्कल इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस डायमीटर कितनी होगी, 100 mm। ओके, मतलब 100 डाया का ये सर्कल है। ओके, 100 डाया का ये सर्कल है और रेडियस इसकी 50 हो जाएगी। तो जब हम सर्कल की पेरीमीटर को फाइंड आउट करेंगे, सर्कल पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो उस क्या फॉर्मूला था, पाई डी। ओके, लेकिन अगर सेमी सर्कल का फाइंड आउट करना हो, सेमी सर्कल का, तो क्या हो जाएगा, पाई डी डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा सेमी सर्कल का होगा। ओके, अच्छा, तो अब इसमें काउंट करें कितने सेमी सर्कल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो सेमी सर्कल कितने हो गए मेरे पास, सेमी सर्कल हो गए 7। ओके, सेमी सर्कल 7 हो, तो सेमी सर्कल 7 सेमी सर्कल हो, और उसकी पेरीमीटर हमने क्या फाइंड किया, पाई इंटू पाई डी बाई 2, ये हमने फाइंड किया था। अच्छा, तो 7 इंटू पाई डी कितनी है मेरे पास, डायमीटर कितनी है, 100 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, ये मान लो आपका ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। दूसरा हमें देखना है इसमें स्ट्रेट लाइन, एक ही का देखेंगे, अभी नीचे वाले का नहीं देखेंगे, एक ही का देखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, सेम डायमेंशन 600x600, तो एक का कैलकुलेट भी इंटू 2 करेंगे दोनों का हो जाएगा। तो अब स्ट्रेट लाइन देखें, स्ट्रेट लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्ट्रेट लाइन कितनी हुई मेरी, स्ट्रेट लाइन हो गई मैं 6। ओके, अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन 6, इनके बीच की गैप कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी हुई, 5। तो जो स्ट्रेट लाइन हो गई वो 6 है और गैप कितनी होगी, 500 mm की गैप हो गई। इनको मल्टीप्लाई करो कितनी होगी, 3000 mm। ओके, 3000 mm हो गई। अच्छा, वो मेरे पास इक्वेशन कितना था, वो जो इससे पहले जो इक्वेशन था, एक सेकंड में कैलसिस देखता हूँ। सो जो फर्स्ट इक्वेशन था मेरे पास क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था मेरे पास 7 इंटू पाई डी बाई 2। ये हमने सेमी सर्कल से निकाला था, सेमी सर्कल का, ठीक है, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 डिवाइड डी की वैल्यू कितनी होगी, आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14। डी कितनी है, 100, तो 100 डिवाइड 2 कितनी होगी, 50। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 50 इंटू 3.14 इंटू
सेवन कितने हैं 1099 इक्वल टू कितना हो गया 1099 यानी आप इसे 1100 ले सकते हो। ओके अच्छा उधर कितना था यानी कि 1100 प्लस मेरा स्टेटमेंट कितना 6 × 5 मैंने 3000 एमएम था 3000 ओके तो कितना हो गया 3000 प्लस 1100 कितना हो गया 4100 हो गया 4100। अच्छा एक चीज़ और हमें देखना है ये जो सर्कल आई बेंड करके इधर से यहाँ देखो ये बेंड हो रही है देखो ये बेंड हो रही है तो मान लो 75 में ये बेंड हो रही है तो 75 इधर 75 इधर कितनी होगी 150। सो 1100 प्लस 3000 प्लस 150 आप इसको सॉल्व करोगे 1100 3000 प्लस 150 कितना आ गया बेटा 4200 कितना हुआ इसको इक्वल टू करते हैं तो 4250 यानी कि जो एक मेरी मेस है फर्स्ट मेस है फर्स्ट की कटिंग लेंथ कितनी हो रही है 4250 और सिमिलरली सेकंड की निकालने कितनी इंटू टू कर देंगे। ओके ये एक की हो गई आपको इसको देख रहे होगे तो लगेगा कितना छोटा सा लेकिन अगर आप इसे बेंड वगैरह करोगे इस हिसाब से चलोगे तो 4200 यानी 4 मीटर 250 की एक सरी आपको काटनी होगी तो एक टॉप मेस बनेगी और दूसरी जो मेस बनेगी वो सेम लेंथ की बनेगी। ओके फ्रेंड सो फ्रेंड्स इजी था एक एक चीज़ को हमने देख लिया मेस की यूज कहाँ करते हैं कटिंग लेंथ कैसे इसकी फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जब भी इसकी कटिंग लेंथ फाइंड आउट करनी हो साइड पर कभी आपको परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।